की ये निशानी जिथे उचियां लंबियां झीरां बजदा ज्यों दर्दी दिया लीला तन मेरा पुरजे पुरजे अते ज्यों दर्जी दिया तेरा लिसा संग फकीरों नाली राजी में कपनी समा ओ रलसा संग फकीरों बगदाद शहर दे टुकड़े मंग सा बाहु कर सा मीरा मीरा तो बाबा जी करामत एक मीरा गौसले आजम दस्तगीर की पेश कर रहे हैं एक लड़की मुसलमाना दी एक यहूदिया दी दोवां दा आपस च प्यार हो गया प्यार इतना के एक दूसरी तो बगैर एक पल भी ना कटना मुसलमाना दी लड़की दा काम की के हर वेले जिक्र मीरा गौसले आजम दस्तगीर दा भावे सुती है भावे जागदी है भावे दिने भावे रात कलब चल रहा जिक्र दा की मीरा या मीरा लगी किसे लीक गलते दस हर वेले मीरा या मीरा दा जिक्र करती है कौन ने अकल की तैनु नहीं पता साडे पेशवा ने साडे मुर्शिद ने कहन लगी फिर तू जिक्र क्यों करती तैनु की फायदा कहन लगी फायदा नहीं फायदे की फायदा है औरत सी उन्हें औरतों वाली मिसाल दी अकल लगी मैं मीरा गौस दा जिक्र करते हैं दस आदमी का खाना तैयार करा सौ आदमी खाना खा जाए कभी खत्म नहीं होया है। दूसरी गले वे के मीरा गौस का जिक्र करने वाले दे नजदीक मुश्किल नहीं आती यहूदियों की लड़की आखन लगी अगर मैं भी मीरा गौस का जिक्र करा तो फिर कोई इतराज ते नहीं कहती इतराज का दा तू भी कर ओ यहूदियां दी लड़की वक्त सी उसकी रहमत दा ओ घर नू नस्पे नाले नसी जा रही है नाले जिक्र करती जा रही है मीरा या मीरा मीरा या मीरा
जेड़ा आलम सी शक दे विच मुसलमाना दी लड़की दा ओई यहूदियां दा हो गया। यहूदियां दी लड़की पवे सुती पवे जागती पवे दिन पवे रात हर वेले मीरा या मीरा दा जिक्र कर रही है। बाबा जी उसका बाप कबीले दा चौधरी ते सरदार सी। बच्ची दी मां ने सुन लिया कि मेरी बच्ची मुसलियां दे पीर दा नाम लेंदी पई है, नसी नसी गई। उसके बाप दे कोल आखन लगी वे वड्या चौधरिया लोगां दे फैसले करदा करदा भी फैसला कर ला। वो कहिंदा गल की होई है? कहन लगी तेरी बच्ची मुसलियां दे पीर दा विरद करदी पई है। वो कहन लगा होवे मेरी बच्ची ते मुसलियां दे पीर दा नाम लवे मैं उन्हूं कतल कर देवगा। इंज करके तलवार खिंची औरत अगे खलो गई आखन लगी मैं तेनों ये नहीं कहा उसनूं कतल कर। जवान बच्ची है अगर उसनूं कतल कर दिता तो लोग सौ सौ गल्लां बनाणगे। तू चौधरी आदमी है को गरीब घर वेख के इसकी शादी कर दे ए जा रही है ते सहुरे जाणन सानूं की लगे। उन्हें कबीले दे विच कोई गरीब जिहा घर वेख्या बुलाए रिश्ता तय कर दिता दिन दे दिते। बरात आई डोली लैके तुर पए अगे अगे डोली पिछे दुल्हा बराती ते बच्ची डोली दे विच बैठी मीरा गौस दा जिक्र कर रही है। ओ जेड़े कहारा ने डोली चुकी सी ना अगले घर डोली रख दे आखन लगे ओ दूले दे अबे यार तू लुटिया गया। ओ कहन लगो मैं पुत्र व्याह के ले आया तुसी आखदे लुटिया गया। कहंदे हां हां तू लुटिया गया गल की होई है? कहन लगे जड़ी तू लड़की व्याह के ले आया ना पूरे रस्ते मुसलियां दे पीर दा नाम लेंदी आई है। याद रखना जो को किसी दे बच्ची व्याह के लिए आंदा उस टाइम बड़ा चौधरी बनया होता है। वो लड़की दा सौरा आखन लगा इसकी डोली चुको वापस भेज दियो। एक सियाणा आदमी आके आखन लगा वो पागल तो नहीं हो गया? इसका बाप कबीले दा सरदार है तेरा बच्चा बच्चा मार देगा। वो कहन लगा फिर हुण की करिए? वो बुजुर्ग आदमी आखन लगा इसके बाप नू पता सी कि इहदी बच्ची मुसलियां दे पीर दा नाम लैंदी है उन्हें साडे नाल फराड कीता है। जिवें उन्हें फराड कीता एवीं असी फराड करके नू वापस तोरांगे। वो कहिंदे हुण की करिए? आओ कहिंदा बच्ची दे कोल सारी बरात तुर गई। वो बुजुर्ग आदमी आखन लगा बेटा साडे कबीले दा इक रवाज है। बच्ची आख लगी की रवाज है बाबा जी? कहन लगा साढ़े जड़ी नवी दुल्हन ब्याई आती है ना जड़ी भी दुल्हन ब्याई आती है वो साढ़े ठाकरा दे लड्डू लेके जाती है। जिसते ठाकर लड्डू खा लैन उन्हू रख लेने जिसे ना खाने उन्हू वापस तोड़ देने। ते बाबा जी ठाकर कहड़े से वो जड़े बड़े बड़े पत्थर के बुत बनाए होंगे ने। वो लड़की सोची पै गई के ठाकर ते साडे भी ओही ने साडियां ने ते कदी कुछ नहीं खादा इन्हां दे लड्डू खांदे ने हैरानगी वाली गल है। लेकिन वो बच्ची समझ गई के गल की है। आखन लगी लियाओ लड्डू। लड्डूआं दी परात आ गई चल गए ठाकरां दे कोल। जदों कहिंदे जिहड़ा सब तो वड्डा पुत सी आखन लगे बेटा इसनूं खवा लड्डू। उन्हें दो लड्डू चुके ठाकर नू जाके आख लगी ठाकर जी महाराज मैं तुसा दी नौकर ऐ तुहाडे मनन वाले ने इन्हां दे कबीले दे रस्मो रिवाज दे मुताबिक मैं लड्डू खवाण आई आ लो लड्डू खा लो। वो पत्थर दा बुत ना हिले ना जुले। उन्हें दूसरी मरतबा फिर आख्या ठाकर जी महाराज मैं तुसा दी नौकर ऐ तुहाडे मनन वाले ने इन्हां दे कबीले दे रस्मो रिवाज दे मुताबिक मैं लड्डू खाण आई ऐ लो खा लो। पत्थरां भी कदों लड्डू खादे ने। तीसरी मर्तबा
जदों उन्हें लड्डू ना ना खादे तीसरी मरतबा उन्हें ठाकर नू नहीं फड़ाए लड्डू परात च रख दिते। लड्डू परात च रख के ते बगदाद शरीफ वल मुंह करके खलो गए। अखां चथरू अख लगी मेरे सोने गल ठाकर लड्डुआ की नहीं गल ते तेरे जिक्र दी है। बगदाद शरीफ वल मुंह करके रो के वो लड़की फरियाद करन लगी केड़ी या मीरा मेरी लज रख नहीं या मीरा मेरी लज रख नहीं मेरी अर्ज सुनी सुल्ताना या मीरा मेरी लज रख नहीं मेरी अर्ज सुनी सुल्ताना खैर मंगती खैर मंगती तेरे कदम चौथ के ले जाना बूबा दे खैर मंगती तेरे कदम चौथ के ले जाना फरियाद की थी।
या मीरा मेरी लज रख ले मेरी आदत सुनी सुल्ताना तू पादे खैर मंगती नू तेरे कदमों चोट के नहीं जाना एंज करके मीरा गौस देके फरियाद करके लड़की ने पीछे मुड़ के देखा ठाकर पत्थर दा जेड़ा सोने दा बड़ा मुंह अट लिया लड़की ने लड्डू खाने शुरू कर दिते ठाकर ने खाने शुरू कर दिते परात जो लड्डू मुक गए ठाकर परात खाने नू फिरे वो जेड़ा सियाना बुजुर्ग सी उन्हें वो बच्ची बाह तो फल लिया खलंगौती ये गल सुन असी ते तेरे नाल फराड कीता सी ये ठाकर ने लड्डू खादे ते खादे की में वो कहंदी जदों तुसी मेरा इम्तहान ले रहे सी ना ते मेरी रूह परवाज करके मीरा गौस ले आजम दे कदमां च टुर गई सी सुभान अल्लाह ते मैं उत्थे की वेख्या दर मीरा दे लगियां बहारां दर मीरा मेरा ले लगिया बहारा
ਦਾ ਮੇਰੀ ਲਜ ਰੱਖ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੂੰ ਦੇ